दोस्तों, आपके मोबाइल का जो कीबोर्ड है उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपका कीबोर्ड यहाँ पे इस तरीके से शो नहीं हो रहा है, या हैंडराइटिंग वाला कीबोर्ड यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपके कीबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं फिक्स करके दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, बताते हैं आपके कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हैंडराइटिंग वाला कीबोर्ड नहीं आ रहा है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आप उसे कैसे सही करेंगे। उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सिंपल से काम करना है। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ठीक है। मोबाइल की सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ढूंढना है एडिशनल सेटिंग, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ एडिशनल सेटिंग नहीं मिलती है तो यहाँ पे कीबोर्ड एंड इनपुट डालेंगे। यहाँ पे आप ऊपर ही डालेंगे कीबोर्ड, इस तरीके से कीबोर्ड एंड इनपुट, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसी पे आप टैप करेंगे, ठीक है, जिसे मैंने कर दिया। या करंट कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना जीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, अब आपको मेन काम करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैनेज कीबोर्ड, मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीबोर्ड और गूगल वॉइस टाइपिंग को आपको यहाँ ऑन कर देना होगा, ठीक है, बस ये करना है। उसके बाद आपको एक काम करना है, आपको प्ले स्टोर में जाके अपने जीबोर्ड को यहाँ पे अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। तो बेसिकली सारे जितने फ़ोन हैं, न्यू फ़ोन है, उनमें जीबोर्ड ही आता है। तो हम इसे यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ और इसे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी प्ले स्टोर ओपन हो रहा है, क्योंकि इससे हमने यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जीबोर्ड, ठीक है। जीबोर्ड यहाँ डालेंगे, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इससे आप यहां से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। ये देखो लिखा है अपडेट, अपडेट पे क्लिक करेंगे और इसे आप यहां से अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पेंडिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट कर लेना होगा आपको। तो चलिए इसे हम अपडेट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चलना होगा, और बैक चलेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ढूंढना है ऐप मैनेजमेंट, जैसे कि देख सकते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर ऐप्स होते हैं ऐप लिस्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको अब जीबोर्ड को सर्च करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे केवल लिख दिया जी और वी, तो आप देख सकते हैं जीबोर्ड यहाँ शो हो गया। इस पर आप टैप करेंगे, उसके बाद इसे आप फोर्थ स्टॉप कीजिए, स्टोरेज यूज़ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ क्लियर कैच कर दीजिए, क्लियर डाटा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री होती है वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बैकग्राउंड ऑफ है तो इसे आप ऑन कर दीजिए। परमिशन पे क्लिक कीजिए, परमिशन आपको यहाँ पे सभी देनी होती हैं। ये देख सकते हैं कैमरे की परमिशन है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट की परमिशन है, और यहाँ पे माइक्रोफोन की परमिशन है, और ये स्टोरेज की परमिशन है। ये आपको सभी परमिशन यहाँ पे देनी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको अब सिंपल से एक सेटिंग करनी होगी। फिर से वॉल की सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपको ढूंढना है एडिशनल सेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको मिलेगा जी, जिस देख सकते हैं लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश, इस तरीके से कुछ लिखा है। तो आप एक भाषा को किसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना हैंड राइटिंग वाला इसे आपको चूज़ करना है और डन कर देना, ठीक है। और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बैक चलना है। अब मैं आपको दिखाऊँगा हैंड राइटिंग करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अर्थ के आइकन पे, तो ये देख सकते हैं ये दे रहा है वेटिंग। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैं लिखा हाय, तो ये देखो ऊपर हाय लिख गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं हिंदी में लिखूँगा और, ठीक है, तो ये हिंदी में भी लिख जाता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कैसे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ अभी तो नहीं लिख रहा है, लेकिन इसे आप सेटिंग सही कर लेंगे तब ये लिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हैंड राइटिंग इंग्लिश है, तो हैंड राइटिंग इंग्लिश ही यहाँ पे आप टाइप कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से लैंग्वेज पर क्लिक करना है, ऐड कीवर्ड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करना है, और जो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कीवर्ड आप हटा दीजिए, उसके बाद आप इसे कीवर्ड को चूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और उसे आप डन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये डन कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग, जैसे आप यहाँ लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे सेट आप कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो फिलहाल मैं लेता हूँ इस वीडियो में विदा। जय हिंद।